तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैं वीडियो दे नहीं पाई। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बारे में बताने वाली हूँ, वो है यूए विजिट वीजा एक्सटेंशन के बारे में। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल दुबई देसी। जैसा कि आपको पता है, यूए विजिट वीजा एक्सटेंशन को लेके बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। अभी जो भी लोग यूएई पे विजिट वीज़ा पे हैं, वो एक्सटेंशन करवाने के लिए उनको कंट्री एग्जिट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर आप दुबई से करवाते हो तो दुबई में थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्सटेंशन हो जा रहा है। और ये एक्सटेंशन प्रोसीजर तब तक रहेगा जब तक दुबई का जो ये नया सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं हो जाता है। तब तक दुबई में आपको दुबई के अंदर ही रह के यूए का विजिट वीजा जो है आप एक्सटेंड कर पाओगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिटीज़ बैन किए गए हैं जिनको विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी लोग उन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनको विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है, उनका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत ही आ रहा है। आगे तो अपडेट नहीं पता है कि उनका विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंशन हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि जिन लोगों का भी यूए विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है उनको कंट्री एग्जिट करना मैंडेटरी हो गया है। कि और ये जो रूल है ये जनवरी से और भी कड़ी हो जाए कि शायद से दुबई में अंदर जो भी विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन हो रहा था वो भी नहीं होगा, आपको कंट्री एग्जिट करना ही पड़ेगा अगर आपको विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज करना है या फिर विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करना है। तो यही है अपडेट। और भी अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर से आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरी ये वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।